दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में बी इन्फॉर्म्ड, और मैं हूं आपका होस्ट आशु। और जैसे कि आपने हम मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि ज़्यादा करके हम लोग सोशो इकोनॉमिक डिस्कशंस पे, न्यूज़ इस पे पोस्ट करते हैं, और फोकस क्रिप्टो का तो रहता ही है। मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। कल एक मैंने न्यूज़ डाली थी हीरो नंबर 1-2 बागी, उससे पहले टॉप 3 ऑल्ट कॉइंस टू इन्वेस्ट नाउ सीरीज 1, और लेटेस्ट जो न्यूज़ हर दिन की होती है या चल रही होती है वो जरूर डिस्कस करते हैं। जैसे ICICI बैंक और वीडियोकॉन ग्रुप का जो स्कैम चल रहा था वो, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ में चल रही है वो है कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि गोल्ड कोस्ट में चालू होने वाले हैं, और साइना नेहवाल की न्यूज़ आ रही है कि उनके पिताजी को वहाँ पे जाने के लिए रोक दिया गया था, तो उन्होंने ट्विटर पे इस पर लिखा भी है। तो अब कॉमनवेल्थ गेम्स चालू होने वाले हैं, और ये चालू होंगे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आता है, और इसमें अलग अलग न्यूज़ आ रही हैं। हरियाणा पंजाब समेत 5 राज्य जिनकी आबादी 9% लेकिन भारतीय दल में 45% की हिस्सेदारी, ये पंजाब हरियाणा में से मैक्सिमम एथलीट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये मतलब निकल रहा है। और हरियाणा से लगभग 33 एथलीट जाने वाले हैं, पंजाब से लगभग 28, तो एक स्टैटिस्टिक्स दी है कि कितने आबादी वाले क्षेत्र में से कितने लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पंजाब हरियाणा में 45% लोग हैं जो भारतीय दल में हिस्सेदारी रखते हैं। चलिए, और जो सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो है हमारे सबके चाहिए महेंद्र सिंह धोनी की, इनको पद्म अवार्ड से नवाजा गया है कल, और आप देख सकते हैं बहुत ही अलग अंदाज में वहाँ पे दिखे, और आर्मी की ड्रेस में उन्होंने अपना पदक ग्रहण किया, अवार्ड ग्रहण किया पद्म अवार्ड से। आते हैं हमारे क्रिप्टो न्यूज़ पे, और जो सबसे बड़ी जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो है हमारे बिटकॉइन की, एंड गोल्डमैन सैच जो है क्रिप्टो मार्केट में एंटर कर रहा है। ये यूरोप का यूएस का बहुत बड़ा बैंक है, और ये इस मार्केट में एंटर कर रहा है। जॉन मेटालिस एक बिट बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, और बिटकॉइन फाउंडेशन और एग्जीक्यूटिव एडवाइजर के फाउंडिंग मेंबर्स भी रहे हैं ये, और वो बताते हैं कि गोल्डमैन सैक्स की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनके जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इस मार्केट में आना बहुत ही अच्छी खबर है ये, और इससे इनको लग रहा है कि मार्केट में लिक्विडिटी और बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, बाकी बैंक्स को भी आना चाहिए। मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, चाहे वो ऊपरी तरफ या नीचे की तरफ, दोनों साइड में ही बहुत ही वॉलेटिलिटी रहती है इस मार्केट में। इसी को देखते हुए काफ़ी बैंक्स नहीं आते हैं, लेकिन जब से ये बिटकॉइन की जो रेट काफ़ी कम हो गई है, तो बड़े बड़े मार्केट में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, बिग शार्क्स हैं, अब एंटर कर रही हैं ताकि एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से अर्न करके निकले हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि बैंकिंग इंडस्ट्री के जायंट दिग्गज गोल्डमैन सैच अब इन्वेस्ट करेंगे इसमें। दूसरी जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो है रॉबिनहुड एक्सचेंज की। रॉबिनहुड एक्सचेंज ने अमेरिका के 4 स्टेट्स में कमीशन फ्री क्रिप्टो ट्रेडिंग लागू कर दी है। वो 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ आपको। वो 4 स्टेट्स हैं, उनका नाम है कैलिफोर्निया, मैसाचुसेट्स, मिसौरी एंड मोंटाना। ये 4 स्टेट्स में
रॉबिन हुड फाइनेंशियल ने ट्रेडिंग फ्री कर दी है बिटकॉइन और इथेरियम पर, क्योंकि बहुत ही अच्छी खबर है ये। अमेरिका की काफ़ी सारे शहरों में से खबर आ तो रही है कि टैक्स फ्री भी करने वाले हैं वहाँ पे, और वहाँ पे बढ़ावा भी देने वाले हैं। कल खबर आई थी कोरिया की तरफ से दोस्तों कि कोरिया अपना एस कॉइन भी लेकर के आ रहा है। सियोल कैपिटल है और सियोल कॉइन्स एस कॉइन के नाम से वो अपना कॉइन भी लेकर के आ रहा है। ऐसी ही न्यूज़ और भी आ रही है गैम्बलिंग इंडस्ट्री से भी, ताकि जो इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए और ट्रांजेक्शन्स फास्ट हो जाए। अलग अलग बिजनेसेस से अलग अलग न्यूज़ है। पहले भी आपने देखा होगा कि मेडिकल सेक्टर से भी काफ़ी न्यूज़ आ रही थी, अलग अलग आईसीयूज़ भी आए थे, और हर एक का यही कहना है कि ये क्रिप्टो मार्केट में ये रिवोल्यूशनाइज कर देगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और जो फाइनल न्यूज़ आ रही है वो है बिटकॉइन कैश की तरफ से, और बिटकॉइन कैश कम्युनिटी बार बार यही कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट जो है बिटकॉइन का रिप्लेसमेंट वो बिटकॉइन कैश हो सकता है, क्योंकि तो ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा ही फास्ट हैं इसके, ऑलमोस्ट इमीडिएट ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।